आज लाखों हरिभक्तों की तरह मैं भी यहाँ पर पूजनीय प्रमुख स्वामी के अंत दर्शन के लिए आया था, क्योंकि मैं गुजरात में जन्मा पला बढ़ा, बहुत बचपन से प्रमुख स्वामी जी का गुजरात के समाज जीवन पर और बाद में पूरे देश और दुनिया के समाज जीवन पर जो असर रहा उसका मैं प्रत्यक्ष दर्शी हूं। प्रमुख स्वामी महाराज ने कम बोलकर अपने कर्तृत्व से और धर्म के जो सारे के सारे निहितार्थ होते हैं उसमें जीवन में उतार कर लोगों के सामने कर्म से ही संदेश देने का प्रयास किया। बहुत सारी जगहों पे चर्चा है, प्रमुख स्वामी जी ने बहुत मंदिर बनाए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी आया, मगर मैं एक बात सबके सामने कहना चाहता हूं कि अपने संस्कार केंद्रों के द्वारा छोटे छोटे बच्चों से लेकर वयस्क लोगों तक जो धर्म के संस्कार प्रमुख स्वामी ने देने का काम किया, मैं मानता हूं आज उनके जाने से जो रिक्तता और क्षति उद्भव हुई है इसकी पूर्ति असंभव है। करोड़ों लोगों को व्यसन से मुक्ति दिलाना, बच्चों को धर्म के मार्ग पर संस्कारित कर आगे बढ़ाना और सबसे बड़ी बात संत संस्था को फिर से समाज जीवन में संत संस्था के प्रति आस्था और श्रद्धा निर्माण हो, इस तरह कुछ भी बोले बगैर संत संस्था के उत्थान के लिए पूरा जीवन प्रमुख स्वामी महाराज काम करते रहे। न केवल स्वामीनारायण संप्रदाय, न केवल वैष्णव संप्रदाय, पूरे सनातन धर्म के मतावलंबियों के लिए प्रमुख स्वामी का जीवन एक वट वृक्ष की तरह था, सबने उनकी छांव को प्राप्त किया। मेरे जीवन में कई ऐसे मौके आए जब व्यक्ति टूट जाता है, उस वक्त सबसे पहला फोन अगर मैंने किसी का पाया तो प्रमुख स्वामी महाराज का पाया, और भगवान बधु सारूकर से एक शब्द सुनकर, एक वाक्य सुनकर मन में जो विश्वास खड़ा होता था वो संकटों के सामने लड़ने की ताकत देता था। और आज प्रमुख स्वामी नहीं रहे, मगर उन्होंने जो संस्था बनाई है, जो संत संस्था का निर्माण किया है, जो स्वयं शिस्त में रहकर धर्म के मार्ग पर चलने वालों सैकड़ों संतों को निर्मिति का काम जो उन्होंने किया है, मैं मानता हूं सदियों तक सनातन धर्म का पथदर्शक ये संस्था बनी रहेगी। आज मैं श्री जी के चरणों में प्रमुख स्वामी के दिव्य आत्मा को स्थान मिले और चीर शांति का, एक शाश्वत शांति का, एटर्नल शांति का अनुभव उनकी आत्मा को प्रभु कराए, यही प्रार्थना के साथ मेरी बात समाप्त।